दिस इज गौरव मोदी अगेन एंड आज का जो वीडियो है ये सेकेंड पार्ट है कल के वीडियो का और आज के वीडियो में एंड्रॉयड सिस्टम की पूरी फिटिंग आप लोग को दिखाने वाला हूं मैं और इसके बाद हम लोग चलेंगे सीट कवर की फिटिंग की तरफ। आप लोगों के काफी मैसेजेस आए थे कि जो स्टेयरिंग कवर फिट हुआ है आपका वो अच्छे से नहीं हुआ है, सो वो हमने श्रीजी ऑटोमोबाइल से करवाया था, आप लोगों को याद होगा। तो वहां पे फिटिंग ढंग से नहीं हो पाई, ये बात मैंने बताई कार स्टूडियोज में, तो उन्होंने उसको फिर से खुलवा के फ्री में इनफैक्ट उसकी रीस्टिचिंग करवा के दी है हमारे को। सो अब वो शायद अच्छा लगने लग गया होगा, आप लोग वीडियो में देखेंगे तो आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है वो। और चलिए आगे वीडियो देखते हैं। दिस इज गौरव मोदी वंस अगेन फॉर यू पीपल। सो फ्रेंड्स, गाड़ी की काम चालू हो गई है, भैया अभी डोर फ्रेम्स खोल रहे हैं और डोर फ्रेम्स खोलने के बाद इसमें स्पीकर लगेंगे। चारों डोर के फ्रेम्स खुल चुके हैं, सो इसमें अब भैया स्पीकर लगाएंगे और अंदर का फ्रेम भी खुल चुका है जहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो लगेगा हमारा। तो आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है आप लोग को दिखाते रहूँगा। भैया कितने इंच के स्पीकर जाएंगे इसमें? 6 इंच। चारों डोर में लग जाएंगे। सो गाइस, चारों डोर में 6 इंच के स्पीकर लगेंगे। सो फ्रेंड्स, ये अपने स्पीकर्स फिट हो गए हैं और मैंने आपको बोला था कि मैं ब्लॉकआउट ले रहा हूँ, पर JBL भैया ने बहुत सजेस्ट किया कि आप एक बार JBL लगवा के देखो, तो अपने JBL लगवा रहे हैं इसके अंदर। एंड वायरिंग का पूरा काम चालू है, आप लोग देख सकते हैं इधर वायरिंग निकाल दी है भैया ने ऑलरेडी, एंड साथ में सारे स्पीकर्स फिट हो गए। ओके, एक मज़ेदार बात बताता हूँ आप लोगों को कि जो XE वेरिएंट है इसके अंदर वायरिंग कंपनी की दी हुई नहीं है, सो आपको अलग से ही वायरिंग करवानी पड़ेगी इसके अंदर, कोई भी वायरिंग कंपनी नहीं दे रहा है। तो जो भी फिटिंग हो रही है वो कपलर टू कपलर हो रही है और बाकी जहाँ जहाँ से इनको कनेक्शन लेना है वहाँ से लिए जा रहे हैं। तो इधर भी लग गई है अपनी, अब फाइनल जब फिनिश हो जाता है अपना तब आपको दिखाता हूँ मैं इसके लिए। सो गाइज, ये कैमरे का वायरिंग आ रहा है अपना और आप लोग देख सकते हैं कितना उसको संभाल के अंदर दबा दबा के ताकि वायरिंग विजिबल नहीं हो भैया कर रहे हैं इसका फिटिंग। और इस तरफ आप लोग देखें तो यहाँ पे अपने स्टीरियो स्पीकर्स की फिटिंग चालू है। सो फ्रेंड्स, अब स्पीकर्स तो लग गए हैं और गाड़ी को वापस रीपैक करना चालू हो गया है। तो टोटल समय भी कितना लगा पूरी फिटिंग होने में, क्या क्या चीज़ फिटिंग हुई, आपको सब कुछ के बारे में बताऊंगा। ये अपना म्यूज़िक सिस्टम ये रहा जो मैंने फाइनल किया, आपको अंदर दिखाया था मैंने शॉप में, और काफ़ी तामझाम हो जाता है, गाड़ी एक बार तो पूरी खुल जाती है, बट भैया लोग डेफिनेटली बहुत ही संभाल संभाल के काम कर रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को यहाँ पे। और जो ओनर्स हैं वो ओनर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिव हैं, कोई भी चीज़ को समझा रहे हैं, बात बात में बता रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि आप आए हो तो ये भी लगा लो वो भी लगा लो, उन्होंने ऑप्शन सारे दिए मुझे
मेरी भी बात सुनी कि हाँ इनको क्या रिक्वायरमेंट है वो भी इन्होंने सुना, और उसी हिसाब से आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर पूरी गाड़ी उधेड़ के रख देते हैं, पर इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो जो चीज़ मैंने बोला है सिर्फ उसी चीज़ की फिटिंग हो रही है, कोई भी एक्स्ट्रा गाड़ी को उधेड़ने का काम नहीं हुआ है यहाँ पे। सो रियली अ थम्स अप फॉर दिस कार स्टूडियोज। मेरे को इनका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, एंड काम का जो क्वालिटी है वो तो जब कंप्लीट हो जाता है तब आपको मैं दिखाऊंगा। सो गाइस, ये पूरी वायरिंग हो गई है, टच स्क्रीन चालू हो गई है, भैया वायरिंग कर रहे हैं इसकी, और टच स्क्रीन का कुछ देखिए, एक स्पीकर अभी चालू किया है भैया ने। सो गाइस, ये लग गया है टच स्क्रीन अपना जगह पे, फिटिंग आप लोग देख सकते हैं एकदम परफेक्ट फ्रेम के साथ भैया ने लगवा के दिया है। साउंड क्वालिटी और ये सब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से फिटिंग कंप्लीट करवा के फिर चेक करेंगे। अभी पीछे भैया का रिवर्स पार्किंग लगना चालू है हमारा, तो ये रिवर्स पार्किंग एक बार फिट हो जाए तो आज का काम यहीं ख़त्म। और सीट कवर्स हमने पसंद करके रख लिए हैं, आज काफ़ी लेट हो जा रहा है तो सीट कवर्स अब परसों आके हम लोग लगवाएंगे, तो उसकी फिटिंग और उसका वीडियो उस समय आपके साथ शेयर करूंगा मैं। सो फ्रेंड्स, अभी गाड़ी के सीट कवर का इंस्टॉलेशन चालू हो गया है अपना, और अब ये भी हो जाता है, सो फाइनली अपनी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे फिटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोगों को दिखाते रहता हूँ इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, आपका कमेंट जो आया था कि स्टेयरिंग कवर अच्छा नहीं लग रहा है, तो भैया उसको फिर से सिलाई कर रहे हैं, तो अब आप लोग सबको स्टेयरिंग कवर भी अच्छा देखने मिल जाएगा यहाँ से। फ्रेंड्स, गाड़ी के सीट कवर सीट निकल रहे हैं अभी और सीट कवर फिटिंग होंगे इसमें, तो अब दिखाते हैं आप लोग को सीट कवर की फिटिंग। भैया सीट अंदर लेके जा रहे हैं सीट कवर की फिटिंग के लिए। और फ्रेंड्स, हम लोग हैं अभी कार स्टूडियो में, जहाँ पे कल हमारे रात की हुई थी एंड्रॉयड सिस्टम की फिटिंग और आज सीट कवर की फिटिंग हो रही है हमारी। सो गाइस, ये अपने सीट कवर का फिटिंग हो रहा है, पूरा बकेट फिटिंग आप लोग देख सकते हैं, एक एक चीज एकदम परफेक्ट फिटिंग में आ रही है इसके अंदर, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी अलग से फिटिंग हो रही हो इसमें। पीछे जो पॉकेट्स नहीं थे वो पॉकेट्स भी आ गए हैं अब तो, सो कोई सामान रखना है तो वो भी रखा जा सकता है। हाँ हाँ, फ्रेंड्स इसको बकेट फिटिंग बोलते हैं। ये पूरा आपका एकदम परफेक्ट जगह पे सीट रहेगी, कहीं इधर उधर हिलेगी नहीं इस तरह से अगर फिटिंग होगी तो। ये पूरा सीट के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है, तो इस वजह से फिर ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की ये फिटिंग आती है, तो एकदम परफेक्ट जो सीट का शेप है वो पूरा ले लेता है। ये अपना पीछे का बेंच है जो रियर सीट का, उसका भी आप लोग देखिए जो फिटिंग हुई है। क्या हुआ, कहाँ लग गई?
फ्रेंड्स, अभी हमारा रियर सीट फिट हो रहा है। सो क्वालिटी देखिए आप लोग, मेरे को तो अच्छी लग रही है। आप लोग बताइए अब कैसी लग रही है आपको। फिटिंग बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे तो। सो फ्रेंड्स, ये अब सीट्स फिट हो रहे हैं। सीट का फिटिंग आप लोग देखिए, सीट कवर का। एक बार फिट हो जाते हैं तो अंदर से भी आप लोग को दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये फाइनल फिटिंग होना चालू हो गई है और क्वालिटी देखिए फिटिंग की। कपड़ा भी अच्छा है, फिटिंग भी मस्त लग रही है। पीछे का भी देखिए, कोई नहीं बोल सकता है कि ये कहीं बाहर से हुई है फिटिंग। एकदम क्लासी लग रहा है ये चीज। अब आप लोग अपने व्यूज बताइए कि कैसा लग रहा है इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं एंड्रॉयड का परफॉर्मेंस। ये माई TVS का एंड्रॉयड मैंने फिट करवाया है गाड़ी में। अब इसका हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा है। सो पहले वॉइस का देखते हैं। JBL के स्पीकर्स लगवाए हुए हैं। म्यूजिक सिस्टम फिट हुआ है, जो XC में फ्रेम आती है वो उसी के ऊपर इन्होंने ये म्यूजिक सिस्टम फिट किया है। क्योंकि नागपुर में अभी तक इसकी ओरिजिनल फ्रेम आई नहीं थी, पर आप अगर फिटिंग देखेंगे पूरी और हर तरफ से देखेंगे तो कहीं पर भी ये पता नहीं चलेगा कि ये अलग से फिटिंग हुई हुई है इसके ऊपर। सो गाइज, दिस वॉज द इंटायर वीडियो जहाँ पे आप लोगों ने पूरा म्यूजिक सिस्टम का परफॉर्मेंस सब कुछ देखा। सो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करता हूँ वीडियो को। दिस इज़ गौरव मोदी एंड इट्स BRacy ब्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने जितना प्यार बाकी सारे वीडियोस को दिया है, आई होप आप इसको भी उतना ही देंगे। सो गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। और जो नहीं कर पाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कभी भी कर लेना, मैं कहीं भागे नहीं जा रहा हूँ। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, दिस इज गौरव मोदी एंड यू आर वॉचिंग BRacy ब्लॉग्स।